खबर बड़वानी से। नर्मदा बचाओ नेत्री मेधा पाटकर का आरोप, नर्मदा का जल नहीं बचा पीने योग्य। उन्होंने कहा कि रेत का अवैध उत्खनन रोकने में भी प्रशासन है नाकाम। प्रदेश में नर्मदा नदी या नदियों से रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सरकार या प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि आज भी धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है और आज भी रेत का अवैध कारोबार जारी है। मेधा पाटकर ने इस मामले में प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही से आज भी रेत का अवैध कारोबार लगातार जारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रेत के उत्खनन के चलते नर्मदा में पानी की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई भले ही बढ़ गई है, लेकिन नर्मदा का जल कम हो रहा है। मेधा ने कहा कि बड़े बांधों का रेगुलेशंस एंड मॉनिटरिंग सही ढंग से नहीं हो रही है। CWC केंद्रीय जल आयोग के नियम का भी कोई पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण कम पानी में प्रदूषण बढ़ रहा है। मेधा ने दावा किया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिदिन जहरीला पानी नर्मदा में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नर्मदा में फैक्ट्री इंडस्ट्री सभी का पानी शामिल हो रहा है। मेधा ने कहा कि जैविक खेती के लिए नर्मदा के पानी से सिंचाई करने वाले किसानों को जैविक खेती का सर्टिफिकेट तक नहीं मिलता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नर्मदा का पानी कितना उपयोगी है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से जब बात की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि मेधा पाटकर क्या कहती हैं वो अलग बात है, लेकिन हमारे संज्ञान में जब जब भी अवैध रेत का मामला सामने आया है कार्रवाई की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। नर्मदा के जल का अनुपयोगी होना ऐसी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि सरदार सरोवर की ऊंचाई तो बढ़ती गई है, लेकिन सरदार सरोवर पानी का स्तर जलस्तर तो नीचे 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 ही जा रहा है। केवल गर्मी के दिनों में ही नहीं, बारिश के दिनों में भी पहले कभी नहीं होता था इतना नीचे पानी रहता गया है। डूबे हुए गांव खुल गए हैं, लेकिन घरों का और खेती का विनाश हो चुका है। आज ऐसी स्थिति में नर्मदा क्यों सूखती जा रही है, इसके दो तीन महत्व के कारण हैं। पहला कारण है अवैध रेत खनन, जिसके कारण नर्मदा भी सूखी है और नर्मदा भी सूखेगी ही, सूख चुकी है आधी अधूरी। और दूसरा कारण है कि पूरे बड़े बांधों का जो सिलसिला है उसका जो रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग होता है वो रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग सही अर्थ से नहीं हो रहा है। CWC केंद्रीय जल आयोग के जो नियम है उसके अनुसार जून में कितना पानी रखना है, अगस्त में कितना रखना है, सितंबर में कितना रखना है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। ये पहले ही पानी छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते हैं तो पावर जनरेशन के लिए। ऐसी स्थिति में और एक हकीकत हो गई है कि कम पानी में प्रदूषण बढ़ता है। तो ये प्रदूषण कहाँ से आ रहा है? एक तो शहर के STP सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे हैं, इसीलिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल का ही रिपोर्ट बताता है कि 150 दशलक्ष लीटर प्रतिदिन ऐसा पानी जो जहरीला बनाता है नर्मदा को, वो नर्मदा में बहता रहा है, जिसमें शहर की गंदगी है और जिसमें पेस्टिसाइड्स द्रव्य और फर्टिलाइजर्स पर आधारित खेती का पानी भी है। लेकिन तीसरी हकीकत बहुत ही भयंकर है। पिथमपुर जैसे इंडस्ट्रियल इस्टेट से जो अवशिष्ट पदार्थ फेंके जाते हैं, नागदा के फेंके जाते हैं क्षिप्रा में, क्षिप्रा से चंबल में, चंबल से गांधी सागर में, यहाँ अजनार नदी जो मानपुर के नीचे से बहती है, उस अजनार नदी के ऊपर मानपुर के घाट में एक वैष्णो देवी ढाबा है, जिसके मालिक के माँ की खेती पर 40,000 रुपये डंपर का लेकर डालते थे। ये खबर पूरे मानपुर क्षेत्र में फैल गई और करीबन 40 आदिवासी गांवों का बोरवेल का पानी भी जब काला या तपकीरी रंग का आ गया, तब लोग समझ गए कि ये पानी पीने लायक नहीं है, ढोर मरने लगे। तब दूर दूर जाकर घाट चढ़कर बहने पानी लाने लगी, तो आदिवासी संगठनों ने बहुत बड़ी रैली निकाली। मैंने अजनार के पानी का टेस्ट करवाया तो अजनार का पानी जो अजनार से कारम और कारम से नर्मदा में बहता गया, इसके कारण नर्मदा घाटी के किनारे के भी कुछ गांव में बोरवेल से काला पानी आया, वो पानी पीने लायक नहीं है, यही टेस्ट का रिपोर्ट आया। आज नर्मदा का पानी की टेस्ट भी बदली है। और तो और जो भोपाल से अधिकारी आए यहाँ और जैविक खेती करने वाले हमारे किसान उनको सर्टिफिकेट देने के लिए जाँच करने लगे, उन्होंने साफ कहा कि अगर आप नर्मदा के पानी से सिंचाई कर रहे हो
तो आपको जैविक खेती का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ही जैविक नहीं रहा है। हमारा सवाल है कि अगर खेती के सिंचन के लिए नर्मदा का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो गांव और शहर वासी ये पानी पी रहे हैं, इसको कौन देखेगा? आज नर्मदा का अवैध रेत खनन जिस पर रोक है, हमारे हाथ में हमने ही चलाई हुई केस में 6/5/2015 की ऑर्डर है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, और 30/2017 की ऑर्डर है NGT भोपाल की, लेकिन उनका पूरा अवमानना हो रही है, कोर्ट की अवमानना यानी अपराध है। और अभी अभी जबलपुर के हाईकोर्ट ने सीहोर के रेत खनन पर जो आदेश दिया है उसमें जिलाधिकारी को सबसे जिम्मेदार पहले नंबर का माना गया है, लेकिन बड़वानी धार जिलाधिकारियों को बहुत सारे खत लिखकर पूरा ब्यौरा देकर कि गोई नदी में क्या चल रहा है, खेड़ी पिपलूद में क्या चल रहा है, छोटा बड़दा में अभी तक चल रहा था, एक एक जगह पर क्या चल रहा है ये दिखाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। और एक आध दिन अगर कार्रवाई हुई तो आपके जैसे मीडिया कर्मियों के कारण होती है, लेकिन उसके दूसरे दिन फिर से वही चालू रहता है, तो सभी अवैधता है और अमानवीयता इससे निष्पन्न हो रही है। मैं उस पर तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरे को पटेल जी ने क्या कहा है, लेकिन जहाँ तक है कि अवैध उत्खनन की जो जब भी कोई जानकारी मिलती है तो हमारे द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जाती रही है। जहाँ तक पीने के पानी की बात है कि पीने योग्य पानी रहा या नहीं रहा है, तो इस संबंध में हमारा PH विभाग समय समय परीक्षण करता रहता है, और अभी तक हमको ऐसी कैसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि इसका नर्मदा का जल पीने योग्य नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।